नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूर्वी शुक्ला और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। दक्षिण भारत की फूड लिस्ट में खासा पहचाने जाने वाला डोसे का स्वाद हर किसी ने चखा है, जिसका स्वाद हर उम्र में लोगों को पसंद आता है और तकरीबन भारत के हर कोने में डोसे का जायका आप ले सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पल भर में तैयार मिलने वाला डोसा आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है? यदि आप भी डोसा खाने के शौकीन हैं, तो ये खबर खास आपके लिए है। दरअसल एक रिसर्च में पाया गया है कि डोसे में पाई जाने वाली कैलोरी की मात्रा किसी व्यक्ति को पूरे दिन में जरूरत के हिसाब से मिलने वाली मात्रा से आधी होती है, जो कि हानिकारक है। ये रिसर्च बेंगलुरु में बेचे जाने वाले डोसे पर की गई, जिसमें करीब 1023 कैलोरी पाई गई, जो कि आमतौर पर मिलने वाले फास्ट फूड की कैलोरी से कई ज्यादा होती है। आमतौर पर लोगों को 2200 कैलोरी की ही जरूरत होती है। रिसर्च के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति को पूरे दिन में जितनी कैलोरी की जरूरत होती है, उससे आधी एक डोसे में मौजूद रहती है। इसको लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी कैलोरी शरीर के लिए काफी नुकसानदायक हो सकती है। ये रिसर्च न सिर्फ डोसे पर बल्कि भारत सहित चीन, ब्राजील, फिनलैंड और घाना के रेस्टोरेंट में दी जाने वाली डिशेस पर की गई थी। इसमें विभिन्न डिशेस में कैलोरी की भी मात्रा को देखा गया। इसे ब्रिटिश मेडिकल के प्रोफेसर रेबिका ने लीड करते हुए करवाया। प्रोफेसर की माने तो हम जो एक बार में खाना खाते हैं, उसमें सिर्फ 600 कैलोरी ही होनी चाहिए। इस रिसर्च में इसके विपरीत पाया गया। रिसर्च के मुताबिक फुल सर्विस रेस्टोरेंट और फास्ट सर्विस रेस्टोरेंट में 90 और 70% कैलोरी मिली। ये 600 कैलोरी से कई ज्यादा थी। इसके बाद रिसर्च के नतीजे सरकारी एजेंसी ने अपनी वेबसाइट पर शेयर किए, जिसमें उन्होंने बताया कि रेस्टोरेंट में बिकने वाले खाने की कैलोरी की मात्रा लिखना अनिवार्य हो सकता है। बात करें बाहर आसानी से उपलब्ध होने वाले डोसे की, तो इसमें गुणवत्ता पर भी प्रश्न चिन्ह लगते रहे हैं। इसके लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री किस तरह की है और उसका उपयोग किस तरह किया जाता है, इसको लेकर कई बार खबरें सामने आई हैं। हालांकि लोग इसे फास्ट फूड की तुलना में बेहतर मानते हैं और इसलिए बेफिक्र होकर इसका उपयोग भूख भगाने में करने लगते हैं। इनमें कई लोग ऐसे हैं जो आए दिन इसका स्वाद चखने के आदी होते हैं। ऐसे लोगों के लिए ये रिसर्च चौंकाने वाली है, जो स्वास्थ्य के प्रति सचेत करती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम जल्द लौटेंगे ऐसी ही जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।